नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का दिनभर का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबाला की सेंट्रल जेल में। मोबाइल तलाशी के दौरान डीएसपी को जान से मारने की धमकी देने का एक बड़ा मामला सामने आया है। बुलेटिन में सबसे पहले इसी की बात करेंगे। आरोप है कि यह धमकी डीएसपी को किसी और ने नहीं बल्कि अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर काला राणा के भाई सूर्य प्रताप और उसके सहयोगियों ने दी है। इस मामले में बलदेव नगर थाना में पुलिस ने 4 कैदियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। एफआईआर के मुताबिक डीएसपी को उसके परिवार समेत कैदी द्वारा लॉरेंस गैंग के गुर्गों से जान से मरवाने की धमकी दी गई है। एफआईआर में ये भी आरोप लगाया गया है कि कैदियों ने जेल में डीएसपी और सुरक्षा गार्ड के साथ गाली गलौज और हाथापाई भी की है। एसएचओ ने बताया कि डीएसपी को मिली शिकायत पर उन्होंने आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूर्य प्रताप यहाँ पे कैदी है, उसको पास से फोन मिला है और जब उससे उन्होंने तलाशी के दौरान फोन लिया तो उन्होंने उनके साथ जो कर्मचारी अधिकारी थे उनके साथ हाथापाई भी की है और उनको धमकी भी दी है। इस संबंध में हमने कल ही मुकदमा दर्ज कर लिया था और आगामी न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट लेकर इनको समय तफ्तीश किया जाएगा। देखिए, जो हमें लेटर आया ये डीएसपी राजीव की तरफ से आया है और उनके साथ उनके अन्य कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। सूर्य प्रताप और उनके साथ 3 कैदी और हैं, टोटल 4 कैदी हैं जिनका इसमें उन्होंने लेटर में जिक्र किया है। चारों खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। और अगली खबर सोनीपत से है। सोनीपत में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी की तस्वीर